अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं, अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर, हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ट, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल स्टोर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, SC फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्ट्री फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225 31 31 10 41 150 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। महिलाओं ने निकाली टू व्हीलर रैली। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके 131वीं जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर महिलाओं ने टू व्हीलर रैली का आयोजन किया, करते हुए शहर के सुपर मार्केट से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले तक संविधानवादी स्त्री शक्ति बड़े पैमाने पर टू व्हीलर रैली निकालते समय इस रैली को पंचशील ध्वज दिखाते समय परभनी के जिला कलेक्टर आंचल गोयल, उसी के साथ रैली का उद्घाटन करते समय डॉक्टर विधायक राहुल पाटिल, समाज कल्याण अधिकारी गीता गुट्टे मौजूद थे। रैली का आयोजन संघर्ष हेल्थ क्लब के गौतम भराड़े इन्होंने किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल रही। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांची जे 131वी जयंती आहे त्या निमित्तानं संविधानवादी स्त्री शक्ती रॅली आम्ही काढणार आहोत। ही रॅली सुपर मार्केट ते शिवाजी बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत जाऊन त्यांना अभिवादन करण्यात येईल। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकन, नेवर मिस एन अपडेट। सेलू स्थित कस्तूरबा गांधी लड़कियों के हॉस्टल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती मनाई गई। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष गिराम मैडम प्रमुख अतिथि में सो पूर्णिमा जोहिर है ये थे। तो कार्यक्रम का संचालन छात्रा प्रतीक्षा सुतार और स्नेहल गायके ने किया। आभार पोंडपल्ले सर ने माना। इस समय छाया पाचले गांवकर, अलका वानखेड़े, मीना लोंडे, सुवर्णा कांबळे, शिवाजी खोकरे आदि हाजिर थे। छात्राओं ने कविता बाबा साहेब अम्बेडकर पर सुनाई। आदर्श कंदोरियन फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी, आपके घर की न्यास, कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 9595 34 34 74, शेख अक्रम 9860 9860 53, शेख रफीक 9561 85 85 55। कम रेट में जो तो आपके लिए जाते हैं सभी से जो हमारे। गंगाखेड़ में साकारा जात मुक्त महापुरुष संकल्पना, महापुरुष जयंती एक मंडप के नीचे। महापुरुषों को जात नहीं रहती, इसलिए उनके जयंतियां सभी जात के लोगों ने एक जगह आकर मनाना चाहिए, ऐसी संकल्पना महात्मा फुले इनके जयंती के दौरान रखी गई थी। आज तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज गंगाखेड़ के संत सावता माली मंदिर में ये प्रत्यक्ष होता हुआ नजर आया। साई सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष गोविंद यादव और उनके परिवार ने आगे आकर ये उपक्रम रवाया है। यहाँ के सावता माली मंदिर में सुबह 8 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान महावीर इनके प्रतिमाओं को पूजन करते हुए अभिवादन किया गया और द्वादशी पंगत शुरू की गई। इस समय गंगाखेड़ बाजार समिति के पूर्व सभापति बाल काकाश चौधरी, ज्येष्ठ नेता बाबूराव गड़ाकाटू, भाजपा के एडवोकेट वेंकटराव तांदळे, बाळासाहेब राखे, कांग्रेस तहसील अध्यक्ष गोविंद यादव, अभियंता थोरे, पूर्व नगर सेविका वर्षा यादव, रमेश औसेकर, बाळासाहेब यादव, संतोष टोले, राजू गोरे, भागवत यादव, मुन्ना भोसले, प्रथम यादव, नंदिनी यादव आदि के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता हाजिर थे। नवीन नहीं, हमारा वाटते की सावता बाबाचे जे काही विचार होते त्याच विचारावर डॉक्टर बाबासाहेबांनी शोध लावून ही पुढची प्रक्रिया चालू केली। सर्व समभावानी सगळ्यांना एकत्र येऊन राहिली। सावता बाबांचा जे विषय होता की त्यांचा जे अभंग होता की पंढरपूरला जाण्यापेक्षा आपल्या व्यवसायामध्ये आपण त्याच्यातून विठ्ठल मानायचा, राजाभाव कोणत्या विठ्ठल मानायचा, कांदा मुळा भाजी तारुकी माझी मिठाई, हे जे त्यांनी त्यावेळेला जे वजा केलं होतं की
आपल्या व्यवसायामध्ये आणि आपल्या विचारामध्ये इतर कोणत्याही गोष्टीला अंधश्रद्धेत न जाता आपण ह्याला देव मानून काम करा ह्याच विचारानं पुढे बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतर जे काही अंधश्रद्धेचा विषय फाटा पाडून इथं सर्व धर्मसमभावाचे विचार केले. साहेबांना मंदिरात घेऊन त्यांना अभिवादन करत आहोत याचं जास्त कौतुक आपण केलं पाहिजे आणि सर्वांनी तोच प्रकार स्वीकारला पाहिजे. जाती धर्म वगैरे असं काही नाही, माणसं एकच आहे आणि आपण सगळे एक आहे, जात नाही. म्हणून आजचा दिन हा सुवर्ण दिन आपल्या दृष्टिकोनातून लक्षात घ्यावा आणि पुढील कार्यक्रम जे आहे सगळ्यांनी सर्व धर्म समभावाची भावना लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे आपलं पुढचं वर्तन ठेवावं. दुजाभाव कोणत्याही प्रकारचा ठेवू नये अशा प्रकारचा संदेश आज आपण या खडकपुरा गल्लीतून देत आहोत. सर्वांनी यापुढे सुद्धा सर्व धर्म समभावाची जाणीव ठेवून कार्याला लागावं ही नम्र विनंती. आम्ही परवा सागर गोरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या ठिकाणी महात्मा फुले यांची जयंती आयोजित केली होती आणि त्या जयंतीत बोलताना आमचं असं ठरलं होतं आणि मी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की महापुरुष हे कुठल्या एका जातीचे नसतात, ते सर्व जाती धर्माचे असतात. तर महापुरुषांच्या जयंत्या त्या त्या समाजानं करण्याऐवजी सगळ्या जाती धर्मांनी केल्या पाहिजेत. आणि आज योग असा जुळून आला की दोन एकादशी आल्या, परवा आणि काल एक आणि आज द्वादशी होती. आमच्या आपल्या मार्गदर्शनाखाली वकील साहेबांच्या आम्ही विठ्ठल मंदिरात करायचो, पण वकील साहेबाला म्हणलं बाबा आमच्या गल्लीत आम्हाला जरा तर मग तिथं निमंत्रण देऊन आज द्वादशीचा योग आला आणि द्वादशीच्या मुहूर्तावर आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगवान महावीर यांची जयंती साजरी करण्याची संधी आपल्याला या निमित्तानं मिळाली. या संधीमधून एक सामाजिक एकतेचा, सर्व जाती धर्मांच्या एकतेचा संदेश या माध्यमातून देण्याचा हा आपल्या खडकपुरा गल्लीवासियांचा प्रयत्न आहे. महावीर जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा परभणी में भगवान महावीर इनके जयंती के अवसर पर तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज सुबह शोभा यात्रा और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई. आनंद नगर स्थित जैन मंदिर से टू व्हीलर गाड़ियों की रैली निकाली गई तो सुभाष रोड स्थित जैन मंदिर से सुबह शोभा यात्रा निकाली गई. उनमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे. शहर के विविध इलाकों से होते हुए महावीर के जय घोष करते हुए गांधी पार्क में यह रैली पहुंचकर यहां पर जैन स्तंभ का पूजन किया गया. इसके अलावा परभणी के तीनों जैन मंदिरों में पूजा और अभिषेक महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया. उसी के साथ साथ भजन गली के जैन मंदिर में दोपहर 12 से लेकर 3 बजे के दरमियान रक्तदान शिविर आयोजित किया गया. खुशखबर खुशखबर खुशखबर, डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तियाब. बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी रिसेप्शन अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल. खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल. जी हाँ, फ्री फ्री. एड्रेस दरगाह के करीब परभनी. कैटरर्स की सुविधा, शादी वलीमा दिगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन. एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे. एड्रेस गणेश नगर डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड परभनी. प्रोप्राइटर शेख मुदसिर. मोबाइल नंबर 7380508050 और 8421-8501-36. आज तारीख 14 अप्रैल गुरुवार के रोज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जयंती के अवसर पर प्रभाग क्रमांक 16 के विविध इलाकों में जयंती रैली निकाली गई. इसमें आए हुए भीम्स अनुयायियों को फारूक बाबा मित्र मंडल की ओर से शरबत का इंतजाम किया गया और जयंती की मुबारकबाद दी गई. इस समय शरबत बांटते हुए सैयद फारूक बाबा और मोहम्मद इलियास, सलीम भाई, रफीक भाई, फतेह खान, नजीर भाई, मुख्तार बादल, शकील, अमजद, हाफिज अजहर साहब, फेरोज भाई, निजाम भाई, फेरोज बाबा के साथ फारूक बाबा मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे. इस समय फारूक बाबा के चाहने वाले भीम सैनिकों ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए निकलने वाले भीम जयंती के सभी अनुयायियों ने फारूक बाबा को कंधों पर लेकर झूम उठना शुरू किया. विविध जगहों पर उनका जो सत्कार किया गया. भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 131वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई. शुरू में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए जिला अध्यक्ष विश्वनाथ झोड़पे इन्होंने पंचरंगी ध्वज को फहराया. मेजर जनरल आनंदा भेरजे इनके नेतृत्व में मानवंदना दी. पूज्य भंते पी धम्मानंद जी और भंते धम्मपाल जी इन्होंने त्रिशरण पंचशील दिया. कार्यक्रम का संचालन बाबा साहेब धबाले ने किया. इस समय जिला कलेक्टर आचल गोयल, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, महापौर अनिता दीदी सोनकांबळे, रवि सोनकांबळे, उप महापौर भगवानराव वाघमारे, अतुल सरोदे, अशोकराव कांबळे, वी वी वाघमारे, यू के सुतार, एम एम भरणे, डी आय पोटफोडे, नामदेव ढेपे, डी के टोम्पे, एन जी गोदम, एस एम कांबळे, पी एल वानखेडे, एस ई शिंगारे, ज्ञानोबा खरात, सुनील कोकरे, भारत देवरे,
मुकुंद खाड़े आदि पदाधिकारी और उपासक उपासिका बड़ी संख्या में हाजिर थे। आखिर में शरण तय लेकर कार्यक्रम की समाप्ति की गई। जिल्हाधिकारी आदरणीय अनिल भोईर मॅडम आणि महापौर आदरणीय अनिताताई रवींद्र सोनकांबळे यांचे हस्ते होणार आहे। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। परभनी में आज तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गयी। सुबह से ही उनके अनुयायियों का बड़ा ताका लगा हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले को सुबह से ही पुष्पमालाएं अर्पण की गई। विविध संगठनों ने, विविध राजकीय पक्षों ने इस मामले में आगे आकर आते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण की। उसी तरह रात में रैलियां निकाली गई और तमाम जो जयंती के अध्यक्ष है उनके स्वागत किया गया। महानगर पालिका की ओर से भीम जयंती के अध्यक्ष जो उनका सत्कार किया गया शिवाजी चौक में, उस समय उप महापौर भगवान राव वाघमारे, रवि सोनकांबळे और उनके पदाधिकारी मौजूद थे। उसी तरह शहर के जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से जयंती के अध्यक्षों का सत्कार किया गया। उस समय प्रताप भैया देशमुख, इनके नेतृत्व में इन सभी आए हुए जयंती के अध्यक्षों का सत्कार किया गया। इस समय विकास लंगोटे, रहमान खान के साथ शंकर भागवत, नंदाताई राठौड़, अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस के अनुसूचित जाति जमाति के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ सत्याम्बिरे, इनकी ओर से भी भीम जयंतियों के अध्यक्षों का सत्कार किया गया। इस तरह दरमियान रात के 11 से लेकर 12 बजे तक दरमियान ये सभी जयंतियां निकलते रहे और उन अध्यक्षों के सत्कार होते रहे और ये जयंतियां जिस जगह पर थी उस जगह पर अपने अपने इलाकों में पहुँचती दिखाई दी और शांतता के माहौल में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहते हुए पूरे रैलियाँ सुकून और अमन के साथ दिखाई दिए। जहाँ पर मस्जिदें थी वहाँ पर लाउड स्पीकर बंद किए गए और वहाँ के जयंतियों को आसानी के साथ वहाँ से निकाला गया। एक दूसरे को भाईचारगी का माहौल बताया गया। इस समय शहर में पूरी तरीके से शांतता का माहौल के साथ जयंती मनाई गई। उसी के साथ महावीर जयंती भी मनाई गई और रमजान का महीना भी, जिसमें जो रोजा आया हुआ था जुमेरात का, वो भी सुकून से और पुरसुकून अमन से दिखाई दिया। इस पूरा देखा जाए तो परभनी शहर का माहौल एक अमन और सुकून में दिखाई दिया। परभनी में एक घर की आग से दो घर चपेट में, गैस सिलेंडर का स्फोट, जीवित हानि टली। शॉर्ट सर्किट से लगे आग एक घर की आग ने दो घर चपेट में आ चुके हैं। इन दोनों घरों के साथ बड़ा नुकसान होने की घटना परभनी के पुराना पेड़गांव रोड बालाजी नगर में आज तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के रोज सुबह 11:30 बजे के दरमियान हुई है। खुशकिस्मती की बात यह है कि इस घटना में जान हानि नहीं हुई। घटना की मिली जानकारी इस प्रकार है कि परभनी के पुराना पेड़गांव रोड स्थित बालाजी नगर में रहने वाले विठल काले, इनके घर को तारीख 14 अप्रैल 2022 गुरुवार के 11:30 बजे के दरमियान अचानक आग लगी। इस आग में सभी संसार उपयोगी इस्तेमाल के चीजें और नकदी रकम जलकर खाक हुई। उनके घर के बाजू रहने वाले शिराड़े, इनके घर को भी इस आग ने चपेट में लिया, जिसमें तकरीबन 60 से 70 हजार रुपये का नुकसान होता बताया जा रहा है। घर के दरवाजे, खिड़की और इलेक्ट्रिक फिटिंग जलकर खाक हो चुकी है। दूसरे बाजू को रहने वाले लोखंडे, इनके घर को भी आग ने अपने चपेट में लिया। आग लगने की घटना की जानकारी मनपा दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग के DB कानोड़े, DU राठौड़, मदन जाधव, शेख महबूब, SK मौलाना, इन्होंने इलाके में के नागरिकों की सहायता से आग को काबू में किया। घटना स्थल पर कोतवाली पुलिस थाने के अधिकारी कर्मचारी भी मुलाकात लेने के लिए पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की। इस आग में 3 घरों का नुकसान हुआ है। जब आग गैस सिलेंडर को लगी उसका आवाज कई दूर तक सुनाई दिया। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।